हैंडलूम के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए मंडी की अंशुल मल्होत्रा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंशुल मल्होत्रा को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। प्रदेश पहुंचने पर अंशुल मल्होत्रा ने इस सम्मान का श्रेय हिमाचल वासियों को दिया है। वर्ष 2005 से इस क्षेत्र में काम कर रही अंशुल मल्होत्रा ने बताया कि वे कई महिलाओं, पुरुषों व बच्चों को निशुल्क हैंडलूम का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में वे डिजाइनिंग का काम कर रही हैं, जिसके लिए उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी की है। टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ और ये जो इंस्पिरेशन है या जो नींव है या सब कुछ, ये मेरे पिताजी की देन है। मेरे पिताजी शिल्प गुरु अवार्डी हैं 2012 के। उन्होंने ये काम शुरू किया था, वो गवर्नमेंट जॉब में थे और उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के ये किया। तो बस उन्हीं को काम करते करते देख मेरी भी यही इंस्पिरेशन बन गई कि और पापा की जो गाइडलाइंस थी कि भाई ऐसे काम करो या हैंडलूम पे काम करो। जब भी मतलब मेरे जहन में आज भी याद है कि हैंडलूम और पावरलूम पे जो उन्होंने उत्तर दिया था वो मेरे अंदर आज भी बैठा हुआ है कि हाँ, हम हैंडलूम पे काम इसलिए करते हैं क्योंकि उसके साथ साथ आप भी कमाते हैं और आपके साथ आपकी कम्युनिटी भी कमाती है। अंशुल मल्होत्रा का कहना है कि उन्होंने मंडी में दो उद्योग लगाए हैं जिनमें विभिन्न महिलाओं द्वारा पहाड़ी पट्टू, शॉल की विभिन्न किस्में, टोपी, जुराबें जैसे अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैंडलूम में बनाए उत्पाद 400 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए से अधिक तक के बिक रहे हैं। डिजाइन्स के साथ काम करेंगे, जैसे आपको पता है कि शॉल और स्टोल तो हिमाचल की है ही फेमस, तो हम कोशिश करेंगे कि नए प्रोडक्ट्स में भी हिमाचली डिज़ाइंस के साथ काम किया जाए। हम नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें और अभी हमने जैसे 7-8 कंट्रीज के बायर्स हैं हमारे पास, हैं चाहे छोटे छोटे ही ऑर्डर्स पर हैं। अंशुल मल्होत्रा का कहना है कि आने वाले समय में वे हिमाचल की संस्कृति को आगे ले जाने के लिए नए नए डिजाइन पर काम कर रही हैं। हम लोगों ने जो अपनी हिमाचली शॉल्स हैं या हमारी पुरानी डिजाइन्स हैं उनको रिवाइव किया है, कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं और जर्मनी, हम लोग जर्मनी में एग्जिबिट कर चुके हैं, हम लोग चाइना में और स्लोवेनिया में और अभी मॉस्को में भी कुछ साल पहले और मलेशिया में, ऐसी टोटल 7 कंट्रीज में हम लोग एग्जिबिट कर चुके हैं और अपने हिमाचली कल्चर को वहां तक ले जा चुके हैं। इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए अंशुल मल्होत्रा के पिता ओम प्रकाश गदगद हैं। बच्चों को कोई अवार्ड मिलता है, बच्चे नाम रोशन करते हैं तो माँ बाप को तो बहुत खुशी होती है इसमें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी बेटी को ये अवार्ड मिला है, पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी के साथ साथ जितनी और भी बेटियाँ हैं जिनके पास हुनर है उनको भी ये अवार्ड भी मिले और इस बेटी को जो अवार्ड मिला है वो और बच्चों के लिए भी एक इंस्पायरेशंस, एक प्रोत्साहन मिलता है उन बच्चों के लिए भी कि मैं भी अगर अंशुल को मिला तो कल को उनको भी मिल सकता है। खुशी की बात यह है कि अंशुल मल्होत्रा ने हिमाचल की संस्कृति को देश सहित 7 अन्य देशों में पहुंचाया है और इससे पहले भी वे कई अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। डीडी न्यूज़ के लिए मंडी से अंकुश सूद की रिपोर्ट।